पंचायती राज सीएमओ के कमरा नंबर 101 से जुड़े, जबकि गृह वन राजस्व कृषि के प्रमुख सचिव मौजूद, ऊर्जा और जलदाय विभाग के प्रमुख सचिव मौजूद, समिति कक्ष 1 से कॉलेज शिक्षा श्रम और आयुर्वेद विभाग के सचिव जुड़े हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, बड़ा ऐलान हो सकता है। युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर गहलोत, सीएमआर में भर्तियों को लेकर अहम बैठक, कुल 8 अधिकारी सीएमआर पर बैठक में ले रहे भाग, 7 विभागों के अधिकारी सीएमओ से जुड़े, एसीएस पंचायती राज सीएमओ के कमरा नंबर 101 से, जबकि गृह वन राजस्व कृषि के प्रमुख सचिव भी मौजूद, ऊर्जा और जलदाय विभाग के प्रमुख सचिव मौजूद। और नरेश शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नरेश, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि युवाओं के भविष्य को लेकर बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए काफी अहम बैठक है जो करीब 1 घंटे से मुख्यमंत्री आवास पे चल रही है, जिसमें कई विभागों के जो अधिकारी है वो मौजूद है और तमाम जो विभाग उनके प्रमुखों ने एक एक करके अपनी रिपोर्ट बताई है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने पूरा जो है वो प्रेजेंटेशन दिया है और उसके बाद विभिन्न विभागों के जो अधिकारी है, खासकर डीओपी के जो अधिकारी है रोली सिंह है, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है कि प्रदेश में जो विभिन्न भर्तियां है जो प्रक्रियाधीन है उनकी अभी स्थिति क्या है, कितने पे परीक्षा हो चुकी है, कहाँ परीक्षा होनी बाकी है, कितने पद खाली है, कितने युवाओं को रोजगार मिल सकता है, कहाँ पे जो विभागों में जो भर्तियां है वो कोर्ट में अटकी हुई है, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सरकार के स्तर पे क्या दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं और भविष्य में कितने पद किस विभाग में खाली होने हैं, एक तरह का प्रेजेंटेशन है वो मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है। मुख्यमंत्री एक एक करके हर एक विभाग की अलग अलग समीक्षा कर रहे हैं। खास उनका फोकस ये है कि जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है जो अंतिम चरण में है, सबसे पहले उनको पूरा किया जाए, उनमें कोई भी अड़चन आ रही है तो उसको दूर किया जाए, चाहे वो कानूनी अड़चन हो या विभागों की आपसी सामंजस्य की कमी हो या कोरोना के कारण कोई काम डिले हुआ हो तो उसके कारण तुरंत उसको पूरा किया जाए। और दूसरा ये है कि अब जो कई जो भर्तियां है वो कोर्ट में अटकी हुई है, उनको किस तरह से अब उनका मार्गदर्शन किया जाए, उनको लेकर भी पूरा फोकस है मुख्यमंत्री का रहा है। और अंतिम चरण में मुख्यमंत्री है वो बात को लेकर होगी कि जो भविष्य में जो पद खाली होंगे अलग अलग विभागों में, उन पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए भी एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए कि किस तरह से उसमें भर्ती की जाए। एसीएस और फाइनेंस जो है निरंजन आर्य